आनंद महिंद्रा जी का सौतेला बेटा है। गॉड, यहाँ तो बैठ पाना यार, ऑनेस्टली बड़ा ही मुश्किल सा सीन है। अप्रोक्सीमेटली 4 लाख रुपीस का डिस्काउंट मिला है। लाइक यार इसमें ना, जैसे ये देखो, मैं इसको अनलॉक करूंगी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? सो आज जिस गाड़ी के बारे में हम जानने वाले हैं ना, वो थोड़ी सी अलग है। तो इस गाड़ी के बारे में हम जानने वाले हैं, और ये है इसके ऑनर मिस्टर निकुंज। सबको हाय बोल दो पहले तो। हाय। तो सबसे पहले आपने ना इसको परचेज कब किया था? मैंने ये परचेज करी थी अराउंड सितंबर, मिड ऑफ सितंबर। तो मतलब कितने की ली थी लगभग? अप्रोक्सीमेटली 34। आई थिंक उस टाइम तक 700 का हो गया था सीन शुरू, तो आपने उसको क्यों नहीं चूज़ किया? मतलब 34 आपने स्पेंड कर दिए, उससे तो कम प्राइस में मिल रही थी 700, एंड अच्छी भी थी। मैं ये नहीं कह रही है बुरी है, बट 700 इज अ गुड कार, बट मेरे को ना 700 से ऊपर के सेगमेंट की गाड़ी लेनी थी। ठीक है। तो और मैंने बुक भी कराई थी 700, लेकिन उसमें टाइम था इसलिए, और ये गाड़ी मुझे बहुत पसंद थी पहले से। चलो वो तो ठीक है, प्राइस की बात हो गई। इस सेगमेंट की कार्स में जैसे फॉर्च्यूनर हो गई, एंडेवर तो चलो फोर्ड चला गया, ठीक है कोई बात नहीं। मैंने ग्लॉस्टर ट्राई करी, इट्स अ गुड कार विद ब्यूटीफुल इंटीरियर्स, बस उसके अंदर फिर पिकअप नहीं है ग्लॉस्टर में भी। फॉर्च्यूनर तो मुझे समझ नहीं आते लोग क्यों लेते हैं यार, इतनी महंगी गाड़ी और मतलब कुछ है ही नहीं उसके अंदर। इट्स रिलायबल, और एक नाम है। तो मैंने दिमाग लगाया फॉर्च्यूनर से 10 लाख सस्ती है। लोग बोलते हैं रीसेल वैल्यू नहीं होगी, बिल्कुल तो ठीक है ना, मैं समझ लूंगा ना 10 लाख जो बचाए थे वो उस समय की रीसेल वैल्यू में अड़ गए। चलो ठीक है, वो तो आपकी समझने की बात है। बट ओवरऑल गाड़ी बहुत अच्छी है। देखो मुझे भी पता है कि गाड़ी डिसकंटिन्यू हो सकती है, कम भी की है, बट मुझे कार एंजॉय करनी है। बाद की चीजें देखी जाएगी, बट मुझे कार चलाने में इससे बेटर कुछ नहीं लगा। इंटीरियर देख लो आप, वैल्यू प्रोपोजिशन देख लो। महिंद्रा की सर्विस डाउटफुल है, बट ठीक है, जब हमने 5-7-8 साल चलाई है एक्सयूवी, उसको मैनेज कर लिया, तो फिर महिंद्रा मैनेज इसे भी कर ही ले। अभी आपने बोला कि सर्विस डाउटफुल है, हाँ, उससे आपका क्या मतलब है? मतलब महिंद्रा की सर्विस डाउटफुल लगी आपको? मैंने 8 साल एक्सयूवी 500 चलाई है। अच्छा। हाँ, गाड़ी वो बहुत अच्छी है, आज भी हम उस गाड़ी को मिस करते हैं। जितनी कम्फर्टेबल सीट उसकी थी किसी गाड़ी की नहीं है। ओके। बट महिंद्रा के अंदर दिक्कत ये है, महिंद्रा प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाता है, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस वो लोग इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। अब जाके मुझे थोड़ा लगता है कि उन्होंने इम्प्रूव करा है आफ्टर एक्सयूवी 700, तो होपफुली सर्विस अच्छी मिलनी चाहिए। बट महिंद्रा के प्रोडक्ट हमेशा अच्छे होते हैं। कितनी चला ली आपने लगभग इसको? ऑल्ट्रस मैंने ये अप्रोक्सीमेटली 6000 चल गई। 6000 चल गई। और इसमें वैसे दो वेरिएंट आते हैं, एक 4x4 आता है, 4x2 आता है। मैंने 4x4 लिया। हाँ, तो 4x4 लिया है, तो कहीं घुमाने तो लेके ही गए होगे बाहर पहाड़ों वगैरह। बहुत, बट अभी ऑफरोडिंग नहीं करी प्रॉपर, बट गाड़ी पावरफुल है। मैंने हिमाचल गया था अभी मैं। अच्छा। हाँ, ऑफरोडिंग थोड़ी बहुत, मतलब ऑफरोडिंग तो नहीं कह सकते थे, जो मेरा होटल था वो काफी स्टीप था। ओके। तो उसमें मेरे को गाड़ी का दिखा कि पावरफुल है गाड़ी। यार ये ना आपको लगभग 34 की पड़ी, तो कुछ डिस्काउंट वगैरह मिले आपको? मुझे अप्रोक्सीमेटली 4 लाख रुपीस का डिस्काउंट मिला है। 4 लाख? Yes. बहुत बड़ी अमाउंट है ना डिस्काउंट। Yes. के लिए दैट टू अ 2021 मॉडल, इट्स अ लेटेस्ट मॉडल। 700 लेने के और भी रीजन थे, जैसे यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ आपको ऑफर कर दी जाती थी, एडास भी आ गया था, तो मे बी आपको वो चूज कर लेनी चाहिए थी। एडास कितना ही काम आता है इंडियन कंडीशंस में, और सनरूफ आधे टाइम तो दिल्ली में धूल इतनी होती है, सर्दी में सर्दी इतनी होती है, तो सनरूफ का भी क्या ही काम था। बट ठीक है, वो फीचर्स, गिमिक के फीचर्स तो नहीं कह सकता, पैनोरामिक सनरूफ काम की, बट ठीक है, आपको इतना लगता नहीं कि वो आपके नीड की चीज है। मतलब मेरे नीड की, उससे बेटर मुझे इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी उससे बहुत बेटर लगी। तो नहीं, 700 की बिल्ड इज आल्सो गुड। द मटेरियल यूज्ड बाय दिस कार एंड दैट कार इज क्वाइट डिफरेंट, बिकॉज़ 10 लाख रुपए का फर्क है मैम। और उसके बाद वो तो है ही, वो क्वालिटी जो सीबी यूनिट या सीके यूनिट की क्वालिटी और इंडियन मेड कार्स के अंदर फर्क होता है। थर्ड रो स्पेस के ऊपर आपका क्या कहना है? मतलब थर्ड रो स्पेस इस गाड़ी का ना समान ही है, देख सकते हो आप, बट वो नाम की 7 सीटर है, बट ठीक है, इमरजेंसी के लिए अच्छी है। गॉड, यहाँ तो बैठ पाना यार, ऑनेस्टली बड़ा ही मुश्किल सा सीन है। अंडर थाई सपोर्ट तो है ही नहीं, ऐसा जैसा होता है ना एक छोटी दरी या गद्दा बिछा रखा हो किसी जगह पे, बिल्कुल आपको चौकड़ी मार के बैठना होता है। तो भाई वैसे बैठना चाहो तो बैठ सकते हो, बाकी मजबूरी की चीज़ है, ठीक है, एडजस्ट हो जाओगे, लेकिन
कंफर्टेबल नहीं कह सकते हो इसको आप, एज ही सेड लाइक इसको ऐसा कह सकते हैं कि प्रॉपर फाइव सीटर और आप चाहो तो बहुत सारा बूट स्पेस हो गया, मतलब फाइव सीटर की तरह यूज करते हुए सात जने बिठाते हो, मोटा मोटी फाइव सीटर ही होता है, आउट ऑफ टेन एक बारी कभी सेवन सीटर काम आता है, चलो जाने ज्यादा है तो ठीक है दो जने पीछे बिठाई दो। बाकी ये देखो यार इसका बूट ना काफी ज्यादा बढ़ जाएगा अगर आप लास्ट रो फोल्ड कर लोगे तो, ये अच्छी चीज है ना, इतने पैसे लगाए हैं तो आपको सारे अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं, मतलब बूट वगैरह आपको खुद हाथ से नहीं बंद करना पड़ता, दबाओ बंद हो जाएगा। ये देखो ये इसमें बीच में वो स्टॉप होने वाला भी हिसाब होगा कि जहाँ चाहो आप रोक सकते हो, होता होगा ना वो भी, लाइक सर्विस कॉस्ट फॉर एन आइडिया, मैंने एक ही सर्विस कराई है पहले फ्री थी, बट मेरा एक ऑल्टर्स का ग्रुप है पैन इंडिया का, अच्छा अच्छा, उसमें 40-50 लोग हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर वो बताते हैं ज्यादा सर्विस कॉस्ट ये 5,000 रुपए की है उनकी इनिशियल, 10,000 वाली सर्विस जो है, ओके ओके, बाकी अभी लोगों की ज्यादा चली नहीं है तो आइडिया नहीं है, बट ओके ओके है, ज्यादा महंगी नहीं होगी इसकी सर्विस, ओके। इसका ड्रॉबैक सबसे बड़ा ये कि इसमें स्टेपनी नहीं है, बस वो स्टेपनी नहीं है, स्टेपनी नहीं है, हाँ वो तो कभी भी जरूरत पड़ सकती है, हाँ, ना बट इस गाड़ी में वो भी नहीं दिया है, ड्यू टू इसमें एडब्लू का टैंक लगाना था, okay. इस चक्कर में उस जगह को उस टैंक ने ऑक्यूपाई कर लिया, इसने इन्होंने डमी स्पेयर टायर नहीं दिया, बट इससे जो पहले इसका जो BS4 वाला मॉडल आता था उसमें पांचों टायर, आई थिंक होनी चाहिए थी स्टेपनी वैसे, बट हाँ एनी हाउ इनके पास ऑप्शन नहीं था ना कहीं पे भी स्टेपनी फिट करने का, इसलिए इन्होंने नहीं दी है स्टेपनी, वो मेजर ड्रॉबैक है उसके जगह, लेकिन इन्होंने पंप और सीलेंट दे दिया, लेकिन वो तो टाटा की गाड़ियों में भी हाँ, वो तो आ रहा है, हाँ वो तो पंच में भी है, हाँ, वो पंच में भी दे रहे हैं। लाइक कंफर्ट के बारे में अगर मैं बोलूं कुछ तो कंफर्ट बहुत अच्छी लगी मुझे इस कार की, तीन लोग एकदम मस्त यहाँ पे बैठ सकते हैं, कंफर्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे आपकी फैमिली का क्या से है इसके रिगार्डिंग, कंफर्ट के रिगार्डिंग? मेरे फादर को XUV 500 बेटर लगती थी, अच्छा इससे कंफर्टेबल लगती, इससे बड़ी सीट्स हैं उसकी, और बट ठीक है, बट दैट कार वाज मोर कंफर्टेबल। यार एक चीज जो मुझे बहुत मिसिंग लग रही है ना वो है पैनोरामिक सनरूफ, क्योंकि यूजुअली अभी इस सेगमेंट की मैंने जितनी भी कार्स की है ऑलमोस्ट सभी कार्स में मैं सनरूफ देखती आ रही हूँ, मुझे पैनोरामिक सनरूफ बहुत ज्यादा पसंद है, आप जब भी घूमने जाओगे ना मजा आ जाता है, इनको इतना नेसेसरी नहीं लगता बट मेरे लिए लगता है यार कि ये एक बिग मिस है, नहीं नेसेसरी नहीं, जब अंगूर मिलते नहीं तो खट्टे लगते हैं, देखो मिली नहीं इसलिए बेकार लग रही है, मिलती तो मजा आता ही आता। लाइक ये इसका जो मर्सिडीज सोर्स्ड ऑटोमेटिक है ये आपको कैसा फील होता है, मतलब मैम अच्छा है, इसमें कोई जर्क्स नहीं है गाड़ी के अंदर, ना कोई पिकअप में कमी है, इट्स अ गुड गियर बॉक्स, पर इंजन भी बहुत साइलेंट है, तो जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा है गाड़ी का, जबकि 2.2 लीटर का इंजन है, बहुत छोटा इंजन है इन सेगमेंट, बट पावर में कोई कमी नहीं है, okay. और ये चीज मुझे नहीं लगता कि पूछनी चाहिए बट स्टिल माइलेज कितनी निकाल के दे रही है, अब इतनी बड़ी कार चला रहे हो तो माइलेज का तो कंसर्न आपके मन में होगा नहीं, बट माइलेज इसका 8-9 का लोकल में देती है सिटी में, और हाईवे पे 11-12 दे रही है अभी, तो स्टिल ठीक है क्योंकि दिल्ली के हिसाब से तो हाँ बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाती है 8-9 पे। कमियां आपको इसमें क्या लगती है, तारीफें तो मैंने सुन ली आपके मुंह से बहुत सारी, कमियां इसके अंदर एक तो पैनोरामिक सनरूफ नहीं है जो पहले बताया मैंने आपको, दूसरा एक तो ना इस गाड़ी के अंदर ना सस्पेंशन थोड़ा सा हार्ड है, तो आपकी गाड़ी के टायर के नीचे छोटी सी भी कोई चीज़ आएगी तो आपको महसूस होगा कि वो आपकी गाड़ी के टायर के नीचे से निकल के गई है, बस ये एक आध कमी है गाड़ी के अंदर, बाकी और थर्ड रो की सीट थोड़ी सी वो तो है, और चौथा मेरे को स्टेपनी नहीं मिली, वो तो मैं जब डिलीवरी ले रहा था तब पता चला इस गाड़ी में स्टेपनी नहीं है, तो एक ये दो चार कमियाँ हैं हर गाड़ी में होती है, कोई भी कोई बंदा परफेक्ट नहीं होता है, तो गाड़ियाँ हैं तो कुछ ना कुछ तो कमी है, बट आप कमियां छोड़ के किसी की अच्छाइयां देखोगे तो आपको उस गाड़ी को या किसी चीज को अपनाने में ज्यादा मजा आएगा। यार ये महिंद्रा नॉट सो महिंद्रा कार है मुझे लगता है, क्योंकि देखो फिट एंड फिनिश इज वेरी गुड, तो आपका इस पे क्या से है, मतलब जैसे आप स्कॉर्पियो की अगर आप देखोगे तो फिट एंड फिनिश महिंद्रा वाली थोड़ी सी लगती है कि कहीं थोड़ा सा बेटर होना चाहिए, ये आनंद महिंद्रा जी का सौतेला बेटा है, सैंगयोंग की गाड़ी सैंगयोंग का ही है प्रोडक्ट, इसके दरवाजों पे हर जगह सब जगह सैंगयोंग के ही पार्ट्स का लोगो लगा हुआ है, इट्स जस्ट अ रीबैच्ड वेरिएंट ऑफ रेक्सटन G4 इन कोरिया एंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, बाहर जो गाड़ी आप सर्च करिए रेक्सटन 2020 G4 एडिशन, सेम गाड़ी है, एग्जैक्ट सेम गाड़ी, और वैसे भी CBU हो रही है, CKD है नॉट CBU,
इसके पार्ट्स आते हैं इंडिया में असेंबल होके आपको गाड़ी देते, तो इसमें एक पार्ट भी महिंद्रा का नहीं है। लाइक यार इसमें ना जैसे ये देखो, मैं इसको अनलॉक करूंगी तो ये सारे फीचर्स, मेमोरी सीट वगैरह, ये आपने 700 में भी देखे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि 700 में से इसमें आए हैं, इससे 700 में गए हैं, तो ये कुछ हद तक आप कह सकते हो फादर है इस केस में 700 के। यार अगर आप इसका ये वाला पैनल भी देखोगे ना, जो इसके कंट्रोल्स हैं मेमोरी सीट के, आप देख सकते हो कितने ज़्यादा प्रीमियम लग रहे हैं देखने में। 700 में भी इट्स गुड, बट ये वाले ज़्यादा प्रीमियम लग रहे हैं इसमें। एंड ये देखो, ये वाला भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। यार एक बार ना आप इसका इंटीरियर चेक करो, देखने में ना काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस लगता है। एंड ठीक है, वो बात अलग है कि यहाँ पे वो स्क्रीन 700 वाली नहीं है, वो ज़्यादा बेटर है, लेकिन इसकी जो ओवरऑल क्वालिटी अगर आप देखोगे ना, तो फिट एंड फिनिश एंड एवरीथिंग मुझे लगता है कि 700 से बेटर है। यार वैसे गाड़ी ना देखने में बहुत सुंदर है, ब्रॉड भी लगती है, लंबी चौड़ी एकदम मस्त गाड़ी लगती है, बट अलॉयस को देख के ना मुझे थोड़ा सा ऐसा फील हुआ कि कुछ ज़्यादा ही बेसिक नहीं दे दिया। आपको लगता नहीं कि थोड़ा बेटर देना चाहिए था? बेचारे करोल बाग वाले कहाँ जाएंगे फिर? छोटे हैं थोड़े से। ओ महिंद्रा वाले थोड़ी ना सोचेंगे करोल बाग वालों का। थोड़े से छोटे हैं, बट उन्होंने इसलिए इंडिया के रोड कंडीशंस के हिसाब से अलॉय व्हील्स और टायर दिए हैं। वो तो अग्री है कि कंपनी जो करती है सोच समझ के करती है, बट अलॉय व्हील्स थोड़े से डिजाइन पुराने हैं, पुरानी नेक्सन जैसे दिखते हैं। इसका मतलब स्पीकर सिस्टम कैसा लगा आपको? मेरे को स्पीकर सिस्टम इसका अच्छा था, मेरे को थोड़ा सा आजकल वो आफ्टर मार्केट स्पीकर्स बहुत अच्छे अच्छे आने लग गए, तो मैंने डैम्पिंग और इसमें स्पीकर्स डलवाए हैं गाड़ी के अंदर। जो ग्लैडन एक जर्मन ब्रांड है, तो क्वालिटी बहुत, इसके अपने जो ओरिजिनल थे वो भी अच्छे थे, लेकिन मैंने ग्लैडन के डलवाए हैं, तो इसे बहुत अच्छी क्वालिटी हो गई है स्पीकर्स की, साउंड अच्छा आता है। हाँ ठीक है, वही मैं अभी पूछने ही लगी थी, आपने खुद ही मेंशन कर दिया कि जो इसमें डले हुए आए थे वो भी अच्छे थे, बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी के स्पीकर्स थे। जब उनको उतारा गया था तब मुझे भी नहीं पता था कि इतने अच्छे क्वालिटी के स्पीकर्स होंगे, मैंने उनको संभाल के रखे हुए उन स्पीकर्स को, बहुत अच्छी क्वालिटी के स्पीकर्स थे वो वाले। अब म्यूजिक की आप इतनी तारीफ कर रहे हो, तो म्यूजिक एक बार सुना भी दो सबको। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, सुनाता हूं मैं। Fearless. हां एक्चुअली इट्स अ गुड वन, एप्रिशिएबल है ये। इट्स जस्ट अ स्पीकर अपग्रेड, नो एम्पलीफायर फिटेड, एम्पलीफायर अभी भी कुछ नहीं लगा इसमें, मैं DSP एम्प लगवाऊंगा, उसके बाद महेश जी को फिर सुनवाऊंगा। जरूर। इस गाड़ी का एक और प्रो है, मैं अभी 80 पे चल रहे हैं और इस गाड़ी में आपको इंजन की आवाज नहीं आएगी। आई नो आप अपनी कार से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हैं, लेकिन 10 में से कितने स्टार्स आप इसको रेटिंग दोगे? आउट ऑफ 10 आई विल गिव 8। अच्छा 2 स्टार्स क्यों कट किए? स्टार्स एक तो पीछे वाली सीट के लिए और एक पैनोरामा, वही जो लिमिटेशंस आपने बताई बस उसके लिए कट की। सो यार थैंक यू सो मच, आई होप आज की ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय।